हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी पंजाबी रसोई में। आज हम बनाएंगे गाजर आलू। हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन। पैन गर्म होने पर उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा ब्राउन होने पर उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालें। आप इसमें अदरक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक को ऑयल में अच्छे से भून लें। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हिलाएं। इसमें हरी मिर्च डालें। मैंने हरी मिर्च को लंबे साइज में काटा है, आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। जैसे कि टमाटर को थोड़ा गलने में समय लगता है, तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पैन को कवर कर देंगे ताकि हीट से टमाटर अच्छे से गल जाए और जल्दी भी पक जाए। देखिए, हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आमचूर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। और अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे। देखिए, हमारा मसाला दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस मसाले में कटे हुए आलू डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोटे साइज में कटी हुई गाजर डाल देंगे। इसे अच्छे से पकाए हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू और गाजर अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट तक तेज आंच पर पकाने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और हम पैन को कवर कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। देखिए, हमारी गाजर आलू की सब्जी एकदम तैयार है।